अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है फरमाया कुल तो इन काना आबा उकुम व अबना उकुम व इखवान उकुम व अजवाज उकुम व अशीरा तुकुम व अमवालु निकतरफ व तिजारा तुम तख्शाउन कसादा व मसाकिनु तरदौना अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिह व जिहाद फी सबीलिह फतरबसु हत्ता यातिया अल्लाह बिअमरी ये जो पूरी आयत है उसका तर्जमे की बजाय उसका मैं खुलासा अर्ज कर देता हूँ कि क्या फरमाया फरमाया कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई तुम्हारी बीविया तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने कमाया और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और वो रिहाइशें जो तुम्हें बड़ी पसंद है सारे रिश्ते माल दौलत कारोबार घर बार सवारी सब कुछ इसमें आ गया फरमाया कि ये सब के सब अहब इकमिन व रसूल ही व जिहादिनफी सदी ही ये अल्लाह अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारे नहीं होने चाहिए ये सब चीज़ें बाद में हो अहब क्या हो सबसे प्यारा क्या हो सबसे महबूब क्या हो सबसे ज्यादा पसंद क्या हो अल्लाह हो अल्लाह का रसूल हो सल्ला और खुदा के अहकाम तो ये है जब अल्लाह ताला की तुशनूदी बंदे की पहली तरजीह बन जाती है तो फिर सारी की सारी तरजीहत पीछे चली जाती हैं सारी महबतें पीछे चली जाती हैं और खुदा की महब्बत सब पर मुकदम हो जाती है और इसी का एक दूसरा नतीजा ये निकलता है कि जब खुदा की रजा ही बंदे की पहली तरजीह बन जाए और खुदा से ही सबसे बढ़ प्यार हो जाए तो फिर अब अपना कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो तो फिर अपना कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो अगर वो खुदा का दुश्मन है तो फिर हमारा दुश्मन है अगर वो खुदा को पसंद नहीं तो फिर हमें भी पसंद नहीं अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद तो हमें वो पसंद आता है जिसे तू पसंद आता है हमारा अजीज वो है जिसे तू अजीज है जिसे तुझसे प्यार है हमें उससे प्यार है जो तुझे पसंद है वो हमें पसंद है और जो तुझसे दूर है वो हमसे दूर है

वो उन लोगों से प्यार करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखालिफ हों और उनसे जंग करने वाले हों जो खुदा खुदा के रसूल से लड़ाई करें मुखालफत करें उनकी उनसे कभी वो प्यार नहीं कर सकते अगर चाहिए मुखालफत करने वाले कौन हों उनके बाप हों उनके बेटे हों उनके भाई हों उनके रिश्तेदार हों बाप बेटे भाई रिश्तेदार अगरचे इतने करीबी रिश्ते भी हों लेकिन अगर वो खुदा और खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं तो बंदा मोमिन उनसे प्यार नहीं कर सकता।